आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एक कहानी है मेरे पास, ऐसे साम्राज्य की जिसने 18 बार मुगलों को हराया, ऐसे राजवंश की जो 600 सालों तक बिना किसी से हारे असम पर राज करता रहा, ऐसे बहादुर सेनापति की जिसने ब्रह्मपुत्र नदी में नेवी खड़ी करके औरंगजेब की सेना को ऐसा हराया कि फिर कभी लौटने की हिम्मत नहीं पड़ी उसकी। आप में से बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन का, लेकिन असम में यह नाम सबने सुना है, बच्चे बच्चे ने, और तो और हिंदुस्तान की सेना भी लचित से अनजान नहीं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन के नाम के गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। आज कहानी बन गए लचित बोरफुकन 350 साल पहले हुए थे। ये ठीक वही दौर था जब शिवाजी ने दक्कन में औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। यही कहानी असम में लचित ने दोहराई, लेकिन शिवाजी हमें याद रहे लचित नहीं। पर ऊपर वाले के दरबार की तरह पढ़ाकू नितिन के घर में भी देर तो है, अंधेर नहीं। तो ले आए हम लचित का किस्सा, वो लचित जिनके नाम के पीछे हमेशा के लिए लग गया बोरफुकन, जिसका मतलब होता है सेनापति। पढ़ाकू नितिन की बैठकी में आज हमारे साथ हैं अनीश गोखले। अनीश वैसे तो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें बहुत पसंद है। अनीश ने मराठों का इतिहास तो लिखा ही है, लेकिन अब उनकी नई किताब ब्लूम्सबरी से आई है, लचित द इंडोमिटेबल। किताब थोड़ी सी फिक्शन है ताकि बोरियत ना हो, लेकिन एक बार शुरू करेंगे तो उसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ाकू नितिन में आज अनीश से पूछेंगे, कौन थे लचित बोरफुकन, अहोम साम्राज्य कैसे पैदा हुआ था, मुगलों से उनका झगड़ा क्या था, जो मुगल हर जगह जीते वो ब्रह्मपुत्र की घाटी में क्यों हारे, और क्यों हमने लचित को भुला दिया। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो अनीश भाई, क्या हाल है आपके? बस ठीक, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। और आप तो मर्चेंट नेवी में हैं और मेरा ख्याल है जल्दी ही आपको ज्वाइन भी करना है। हाँ, कुछ ही दिनों में शायद। अच्छा, तो इस बार कहाँ जाना होगा? शायद अफ्रीका से ज्वाइनिंग है। अच्छा, तो ये तो इंटरेस्टिंग जॉब है आपकी, नए नए देश, नए नए इलाके सब घूमते होंगे आप, इसीलिए तो हिस्ट्री में कहीं ज्यादा दिलचस्पी नहीं है आपकी? हिस्ट्री में अच्छी दिलचस्पी मेरे पहले से है, राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज, क्योंकि मैं यहाँ पर पुणे में और मुंबई में बड़ा हूँ, तो यहाँ पर जो सह्याद्री के गढ़ किले है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यहाँ पे ट्रेकिंग करके, हाइकिंग करके, तो यहाँ से फिर वो इतिहास में जो रुचि है पैदा हुई। आई गॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एज अ टॉपिक। हाँ, तो क्योंकि किताबें पढ़ना शुरू हुआ, फिर आगे चलते चलते देन फाइनली मैंने खुद ही किताब लिखी, फिर मराठा इतिहास पर, उसके बाद फिर आसाम इतिहास पर। मराठा इतिहास पर तो किताब आपकी समझ में आती है, आप खुद ही कह रहे हैं कि वहां के रहने वाले भी हैं, वहां घूमे भी हैं, और भले ही आप पेशेवराना तौर पर इतिहासकार ना हो तो ठीक है, वहां का एक कारण है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि असम की तरफ क्यों चले गए आप। हाँ, तो ये तकरीबन 15-16 साल पहले की बात होगी, मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था और बाय चांस मैंने एक अमर चित्र कथा पढ़ ली लचित बोरफुकन नाम की। मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा कि एक वहाँ असम की तरफ एक लड़वैया है, सेनापति है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और ये इतिहास मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हमारे कहीं भी पाठ्य पुस्तक में, किसी भी स्कूल की किताब में इसका जिक्र है नहीं। शिवाजी तो हैं, लेकिन हाँ, शिवाजी महाराज तो है, लेकिन बोरफुकन नहीं है। और उसी समय की बात है, अराउंड 1660-1670 के दशक की बात है, तो कई सारे जो हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है, पर्सनैलिटीज है, जैसे औरंगजेब हो गया, राम सिंह, छत्रपति शिवाजी खुद,
शाइस्ते खान, तो ये सारे पर्सनैलिटीज वहां फिर मिलते हैं हमें आसाम के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ मतलब सेम है, तो जैसे छत्रपति शिवाजी के हाँ कॉन्टेक्स्ट में इनका नाम सुनने में आता है, वैसा जी ही लचित के में भी ये सेम ही लोग हैं, क्योंकि वो वक्त, वो दौर, वो बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल एक ही है। और इससे बढ़कर जो लचित बोरफुकन की देशभक्ति थी, उनके जो सेंस ऑफ ड्यूटी हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो फिर उनकी वीरता, सो ऑल दीज क्वालिटीज रियली कनेक्टेड। और वो कहानी कई मेरे दिमाग में थी गई 10-15 साल से, कि मैंने एक किताब पढ़ी हुई है लचित बोरफुकन का, एक अमर चित्र का था। फिर जब मराठा इतिहास पे मैंने एक दो किताब लिखी थी, उसके बाद सोचा कि ये एक बिल्कुल ही अलग विषय है, उसे आसाम के बाहर किसी को पता नहीं है विषय के बारे में। हाँ एंड फिर वहां से रिसर्च वगैरह शुरू किया मैंने, मैं तय किया कि एक और किताब लिखनी चाहिए एज अ ड्रामेटाइजेशन, कि इतिहास ही रहेगा, लचित बोरफुकन ने जो एक्चुअली किया था इतिहास भी वही होगा, बट रादर देन जो ड्राई इतिहास होता है कि तुम बस उसमें ताल गणना करते रहो और इस तारीख पे ये हुआ उस तारीख पे वो हुआ, तो वो जो बोरिंग इतिहास होता है वो छोड़कर एक ड्रामेटाइजेशन कहानी की तरह लिखी जाए, तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसमें। इनफेक्ट मैं अनिश भाई देख रहा था कि लचित की उम्र भी शिवाजी जितनी ही रही, शिवाजी और लचित एक ही उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए और दोनों के चैलेंजेस भी करीब करीब एक जैसे थे। हाँ शिवाजी जहाँ छत्रपति बने, राजा बने, राज्याभिषेक हुआ, लचित खुद में सेनापति थे। लेकिन इसके बारे में पूछूंगा मैं कि लचित कौन थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले तो मुझे आपसे पूछना है कि जब आपने वो अमर चित्र कथा पढ़ी और लचित के बारे में आपको मालूम चला, फिर आपके मन में आया कि इस व्यक्ति के बारे में और जानना चाहिए, तो फिर कहाँ कहाँ जाकर खोजा आपने लचित को? क्योंकि नॉर्मली तो नहीं पढ़ने में मिलता है, शिवाजी को तो फिर भी हमने पढ़ लिया और महाराणा प्रताप को भी पढ़ा, लचित का तो नाम कहीं है नहीं। शायद इसलिए क्योंकि वो हम जिसको बहुत दूर मानते हैं उस असम में थे। तो जिसे कहा था, ये किताब तो मैंने 8वीं 9वीं पढ़ी थी, और जब मैंने वापस खुद की किताब लिखना शुरू किया था, इट वॉज अराउंड 2013 क्या 14 के आसपास होगा, ठीक है। तो इन दोनों घटनाओं में, मतलब मेरे अमर चित्र कथा पढ़ने में और किताब शुरू करने में, मेरे ख्याल से कुछ 10-12 साल बीत गए होंगे बीच में, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली चैलेंज था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मराठा इतिहास पर एक तो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र से बाहर के भी लोगों ने कई कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है, इजीली अवेलेबल काफी लिटरेचर है, और वैसे भी लाइब्रेरीज में लिटरेचर बहुत है। दिस वॉज द केस विद आसाम। तो किताबें जो ऑनलाइन वगैरह जहाँ से मिल सकती है, अलग अलग कंपनी जो होती है ऑनलाइन सेलर्स, तो वहां से मुझे मात्र एक या दो किताबें मिल सकी इस विषय पर। फिर मैंने गुवाहाटी में कोई थे उनसे संपर्क करके मंगवाई किताबें दो चार, उन्हें भी वहां ढूंढना पड़ा कि ये किताब कहाँ मिल सकती है पुरानी दुकान में जाकर, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद उसके बारे में। फिर ये थोड़ा बहुत जो एक बेस तैयार हो गया मेरा, 1-1.5 साल पढ़ाई करने के बाद जो किताब मेरे हाथ में लग गई थी, 6-7 किताबें, फिर मैं खुद आसाम गया, गुवाहाटी गया, और फिर वहां जाकर फिर काफी फायदा हुआ मुझे। हाँ एक तो किताबें मिल सकी, आई कुड गो। पहली बात तो ये थी कि दे वर वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न थे कि एक महाराष्ट्र से आके कोई अच्छी बोरफुकन पे लिख रहा है, तो दे वॉज दिस इंटरेस्ट इन द टॉपिक, इंटरेस्ट इन वाई इट्स सो नाइस कि कोई बाहर से आके इस विषय पे लिख रहा है, तो वैसे भी फायदा हुआ। वहां पे कई सारे दुकानें हैं जहाँ पे पुराने पुराने किताब मिलती है, वहां पर जाकर जब रिक्वेस्ट किए तब जाके वो किताबें फिर मिल सके। और फिर क्योंकि जहाँ ये सारा इतिहास जो है लचित बोरफुकन का जो इतिहास है, वो ज्यादातर गुवाहाटी में ही होता है, जो आज मॉडर्न डे गुवाहाटी है उसके, और उसके इर्द गिर्द के इलाके में ज्यादातर पूरी कहानी होती है हमारी, जो लचित बोरफुकन और मुगल्स के खिलाफ जो लड़ाई है। तो वहां जाकर फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी, ने नद कहते, इतनी बड़ी नदी है उसके नाम नद रखा गया है, तो ब्रह्मपुत्र जो नद है वो कितना विशाल है, वो खुद के आंखों से देखोगे तो पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई थी। मतलब तुम देख सोच सकते हो कि कई सारे वहाँ पे सैनिक थे, कई सारे वहाँ पे जहाज थे, तो बहुत कितना इंटरेस्टिंग है कि उसमें विशाल। नेवी भी है,
आर्मी भी है, नेवी भी है, रिवराइन नेवी, नदी पे बेस्ड नेवी है। तो हम नॉर्मली नदी का सोचा जाता है इतनी छोटी सी नदी में लड़ाई कैसे होती, लेकिन आप जब ब्रह्मपुत्र को देखोगे तब अंदाजा आता है कि ये लड़ाई यहाँ पे कैसे हो सकती है कि एक विशालकाय नदी पर। फिर वहां पे जो एटमॉस्फेयर है, जो जंगल वगैरह वो सब, तो आई कुड गेट अ पिक्चर ऑफ हाउ दिस सिचुएशन वुड हैव बीन 300 इयर्स अगो एनवायरमेंटली देखा जाए तो, या फिर बैकग्राउंड देखा जाए तो। प्लस वहां जाके मैं कई लोगों से मिला, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के और अन्य लोगों से, हु कुड आल्सो हेल्प मी इन दिस रिसर्च एंडेवर। तो वो ट्रिप काफी अच्छा रहा, आई कुड कलेक्ट अ लॉट ऑफ मटेरियल और फिर वापस पुणे आके फिर राइटिंग कंटिन्यू किया। तो रचित बोरफुकन जो हैं, जो उसी तरह से पूजे जाते हैं और सम्मानित किए जाते हैं जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में किया जाता है या देश भर में किया जाता है, तो रचित बोरफुकन एक तरह से कह लिया जाए कि या तो असम के छत्रपति शिवाजी हैं या छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के रचित बोरफुकन हैं। तो अहोम राज्य था, एक अहोम साम्राज्य जिसने करीबन 700-800 साल राज किया असम में, और बहुत जबरदस्त था क्योंकि कोई भी 700-800 साल रहना बड़ा कठिन है, अंग्रेजों के लिए भी था, मुगलों के लिए भी था, और रचित जो थे इसी का हिस्सा थे और इसी को बचाने के लिए वो जंग में कूदे। तो जंग क्या थी और क्यों थी, तो बाद में, पहले अहोम के बारे में थोड़ा बताइए कि ये लोग कौन है, ये साम्राज्य क्या है। अब जो अहोम साम्राज्य है, अहोम, इनके बारे दो थियोरी है कि एग्जैक्टली कहाँ से माइग्रेट होकर आए थे। ठीक है, एक थियोरी है कि जो चाइना में आज यूनान प्रोविंस करते है, यूनान करके जो भागे वहां से आए थे, और दूसरी थियोरी यह है कि ये आज जो बर्मा है, म्यांमार जैसे कहते हैं, जिसको म्यांमार कहा जाता है, जी हाँ, तो म्यांमार कहा जाता है, रंगून, रंगून भी उसी कहा गया, रंगून उसका कैपिटल है, कैपिटल, बिल्कुल कैपिटल सिटी है। तो ये जो म्यांमार से होके मुंगमाओ करके जगह वहां से होके वो अभी जो ईस्टर्न बॉर्डर है आसाम की, वहां से अंदर आए थे, और फिर अभी इनका आक्रमण ऐसा नहीं हुआ, माइग्रेट हुए थे, फिर धीरे धीरे करके इतना अपना शासन बढ़ाया, और ख्याल से 1228 के आसपास स्थापित हो गया आसाम में, 1228 AD। अब 1228 से लेके ये 1826 तक वहां के शासक थे। अच्छा, अंग्रेजों के पूरी तरह पांव जमाने तक, पूरी तरह पांव जमाने तक, और उनके जो आखिर के दो शासक थे 1821 के आसपास के, वो तो बर्मा के जो राज थे उनके मांडलिक थे। तो बेसिकली हुआ क्या था कि बर्मा ने इन पे कब्जा कर लिया था और फिर अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया था। फिर 1826 में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एंडबो कहते हैं उसे, उसके चलते जो आसाम का हिस्सा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर में जोड़ा गया था, दिस इज ब्रिटिश हिस्ट्री। उससे पहले जो है 1228 में स्थापन करने के बाद 1228 से लेके ऑलमोस्ट 1681 तक जो है इन्होंने कई सारे आक्रमण घेरे थे। जो 17 आक्रमण मुगलों के खिलाफ जो है, एक्चुअली सिर्फ मुगल नहीं, जो अन्य जो आक्रमक थे उससे पहले, तुम्हारा मोहम्मद तुगलक हो गया, तुम्हारे जो अच्छा मतलब नॉर्थ की तरफ से उधर आक्रमण होते रहे अहोम साम्राज्य पर, और उधर से भी होते होंगे म्यांमार की तरफ से, और इस तरफ से भी जरूर उनकी तरफ हमले होते रहे होंगे, हमले होते हैं, लेकिन वो शायद बॉर्डर पे रोके गए होंगे क्योंकि इनका इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है। ओके, बट इनका जो है बंगाल की साइड से या फिर डायरेक्ट दिल्ली से निकले हुए जो सेना थे वहां से वेस्ट साइड, क्योंकि 1206 साल में जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था बंगाल पे और बिहार पे, तो उसी साल आसाम पर आक्रमण हुआ था। तब तक ये अहोम जमे हुए नहीं थे, उसकी पहली वाली जो कूचबिहार के साइड की राज्य थे उन्होंने आक्रमण झेला था। फिर उसके आगे तुम्हारा जो तुगलक है या फिर अन्य
कई सारे जो राजे राजे के सुल्तान नवाब आके गए बंगालोर, तो ये कई सारे 17-18 हमले करते रहे। अहोम करते रहे, कहाँ तक राज करते थे मतलब एग्जैक्टली अगर आप बता पाए? अहोम का जो राज है वो वी कैन कंसीडर इट दी जो मानस करके नदी है, मानस रिवर, जो मानस नदी मेरे ख्याल से गुवाहाटी के पश्चिम की तरफ है, जहाँ पे तुम्हारा बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट खत्म होता है ना जी, सिलीगुड़ी के आसपास, हम्म, उसके थोड़े से पूर्व की तरफ मानस करके नदी, तो वहां तक इनका राज था। और जहां तक लचित बोरफुकन का सवाल है, ये सेकंड लास्ट जो आखिरी के 2-3 जो आक्रमण हुए थे उनमें से एक का हिस्सा हुआ था लचित बोरफुकन आसाम को डिफेंड करने में। अच्छा, उससे एक अब ये तो आक्रमण होते रहे इस तरफ से, लेकिन देयर इज आल्सो वन केस, एक अहोम राजा थे रुद्र सिंघा नाम के, रुद्र सिंघा, इन्होंने 1716 में 4,00,000 की फौज जमाई थी गुवाहाटी में बंगाल पर हमला करने के लिए। सो देयर वाज दिस रिवर्स थिंकिंग आल्सो एट द वेरी एंड, इतने बार आक्रमण 17-18 बार आक्रमण झेलने के बाद एक राजा आया था जो कहा था कि अब ये काम करते हैं, हम खुद ही जाके बंगाल में आक्रमण करते हैं। अच्छा, और बंगाल तब मुगलों के अधीन था, मुगलों के अधीन था ऑलमोस्ट, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था, औरंगजेब मौत हो चुकी थी। और अगर आप इस अहोम डायनेस्टी को देखोगे तो अहोम डायनेस्टी का जो धर्म है वो एक फ्रालुंग कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें एक एंसेस्टर वर्शिप का, अच्छा, पूर्वजों को पूजना, जो हमारे पितृ पूजा कही जाती है, पितृ पूजा हमें कहा जाता है, तो वो एक अंश इसमें है। और उनका एक लिंगडोंग करके वो भगवान मानते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने वो फ्रालुंग का जो है दे केप्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दैट ओरिजिनल रिलीजन दैट दे केम विद, अ वे ऑफ लाइफ यू कैन कॉल इट। लेकिन जैसे आगे बढ़ते गए 1228 और 1826 के बीच में, उन्हें पता था कि यहाँ के लोग जो है आसाम के वो ज्यादातर हिंदू है, एंड केप्ट ऑन अडैप्टिंग एंड प्रमोटिंग दैट वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो उनके लिए हमेशा लोगों का उद्धीकरण ज्यादा महत्व रखता था, टू नो हेल्प द पीपल। उन्होंने अपने धर्म को लोगों पर लादने की बजाय बनना ज्यादा पसंद किया जिन पर उन्हें शासन करना था, मतलब बहुत सारे हिंदू परंपराएं संस्कारों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। सही बात है। तो अब देखोगे कि ऐसे पहले तो उनके नाम बदलते रहते हैं, तो नाम जो पहले ताई ओहम के थे उस भाषा को, तो ताई ओहम नाम उन्होंने रखे है, फिर भी उन्होंने दूसरे हिंदू नाम भी रखे हुए है। जैसे इनका एक लचित बोरफुकन के समय के राजा तो थे, नाम था चक्रध्वज सिंह, इनका हिंदू नाम था, उनके साथ में उनका ताई ओहम नाम था सुफुंग मुंग करके। अच्छा, तो यहाँ के लोगों के लिए भी थोड़ा सा उनके साथ सिंक्रोनाइज हो सके, तो एक ऐसा नाम भी रखते थे जो स्थानीय लोगों की समझ में आए और उनके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल भी हो। फिर आगे चल के कई सारे जो मंदिर है आसाम में इन्होंने बनाए हुए, शिवदौल है, फिर जैसे रुद्र सिंघा का जिक्र किया था, तो रुद्र सिंघा की जो सील थी, रॉयल सील जो होता है, तो वो संस्कृत में थी। अच्छा, और उसमें श्री गौरी करके लिखा हुआ है। फिर इससे कई सारे बदलाव लाए एडमिनिस्ट्रेटिवली आल्सो, दे वर वेरी गुड, मतलब इसी 1700 मेरे ख्याल से 10 या 12 में बनाए हुए एक ब्रिज है, जो कि मेरे ख्याल से NH-37 पे ब्रिज हो, इट इज स्टिल बीइंग इन, आई मीन अभी रिसेंटली वो रिनोवेट हुआ है इसलिए अभी इस्तेमाल करना बंद हो गए, बट इट वाज रिसेंटली इन यूज, मतलब तभी का ब्रिज। सो ओवरऑल यू कैन सी कि इन्होंने जो माइग्रेशन हुआ था उसके बाद आसाम को प्रोटेक्ट किया ये सब आक्रमणों से, और जो लोकल कल्चर रिलीजन है उसका उसको बढ़ावा दिया, दे प्रमोटेड इट एंड प्रोटेक्टेड इट। तो एक तरह से हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि अहोम साम्राज्य कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था इनिशियली जो बाहर से हिंदुस्तान में आए, जैसे कि मुगल भी आए थे और भी बाकी लोग आए थे, लेकिन यहाँ रहते रहते वो उसी तरह सिंक्रोनाइज हो गए जैसे मुगल हुए, लेकिन वो उनसे कुछ ज्यादा हो गए,
क्योंकि देखा जाए तो अहोम ने हिंदू धर्म भी अपना लिया, अपने नाम भी हिंदुओं जैसे रखने शुरू कर दिए, और 700-800 साल वाकई एक बड़ा दौर होता है राज करने के लिए। सही, पर हम पढ़ते नहीं उसके बारे में। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी पढ़ते हैं, गुप्त के बारे में पढ़ते हैं, चोल चेर पांड्य सुदू एकदम दक्षिण में है उनके बारे में पढ़ते हैं, मराठा तो पढ़ते ही हैं, लेकिन काफी दुखद है कि असम हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए भी हम वहां के इतने बड़े राजवंश के बारे में नहीं पढ़ते। हाँ, ये तो दिस एक्चुअली फंक्शन ऑफ द जनरल इग्नोरेंस, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो एक जनरल इग्नोरेंस है, हमें पता होता नहीं है कि यहाँ पे कौन से राज्य है। आज भी आप हिंदुस्तान के नकाशे पे अगर पूछोगे किसी से कि ये सारे राज्य सही से बताओ कौन सा राज्य कौन सा है, तो कई सारे लोग नहीं बता पाएंगे, ज्यादातर नहीं बता पाएंगे। हाँ, ज्यादा नहीं बता पाएंगे। किसी हिंदुस्तान पे देखा था मैंने, एक स्टेट एक था उसके कैपिटल का नाम दूसरा दे दिया था। तो मैं दिस शोज की तुम्हारा अवेयरनेस बहुत कम है रादर देन नॉलेज इन दिस स्पेस ऑफ अवेयरनेस, और उसी के चलते फिर ये भी होता है कि मैं वहाँ पे ज्योग्राफिकल अवेयरनेस जब नहीं है तो हिस्टोरिकल अवेयरनेस भी नहीं होगा। ये गए कुछ सालों में स्थिति थोड़ी सी बदली है थैंक्स टू सोशल मीडिया और बाकी चीजें, बट फिर भी आई विल से कि अवेयरनेस अभी भी और बढ़ना चाहिए कंसिडरिंग इट्स पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। तो होपफुली अभी किताब लिखने से या इसे थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों का एंड इसके लिए तो आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने अहोम के बारे में लिखा और लचित के बारे में लिखा। तो हाँ, अहोम जो है 700-800 सालों तक राज करते रहे असम पर, काफी एकदम दमदारी के साथ, कोई भी आया लेकिन वो नहीं हटे। और आप कह रहे हैं कि 17-18 जंग लड़ी मुगलों के खिलाफ अहोम ने, और उनमें से आखिरी की जो दो एक थी उसमें लचित भी शामिल रहे। एक वक्त था लेकिन जब गुवाहाटी हार गए अहोम मुगलों से, वो क्या कहानी है? हाँ, तो अभी 1660 में, 1660-61 में औरंगजेब जो है वो दिल्ली के बादशाह बन चुके थे, ठीक है, छठे मुगल। और तभी उसी समय जो अहोम राज्य आसाम में, तो कुछ इंटरनल के प्रॉब्लम चल रहे थे, अंदरूनी प्रॉब्लम चल रहे थे लीडरशिप को लेकर। अब औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने आपके सारे भाई खत्म कर दिए थे, मुराद बख्श और दारा शुखो जो थे वो दोनों को उन्होंने या तो कैद में डाला हुआ था या मार डाला था। एक बचा हुआ था शाह शुजा, वे शाह शुजा भाग गया था बंगाल, बंगाल से भाग गया था बर्मा म्यांमार, तभी उसे अरक्कन कहते थे, अभी भी एक म्यांमार का दक्षिण की तरफ का हिस्सा है उसे अरक्कन कहा जाता है। वो तभी शाह शुजा वहां पर चला गया था। हाँ, मतलब शाह शुजा जिनके पास शाहजहां के दौर में यानी अपने पिता के दौर में बंगाल की गवर्नरशिप थी, जैसे कि दक्कन की औरंगजेब के पास थी वैसे ही, तो शाह शुजा एक बड़े कॉम्पिटिटर थे औरंगजेब के गद्दी के मामले में दिल्ली की। और जब औरंगजेब ने गद्दी कब्जा ली तो शाह शुजा के खिलाफ जो जंग हुई तो शाह शुजा को देश छोड़कर भागना पड़ा। और आप जो अराकान का जिक्र कर रहे हैं जो बेसिकली बर्मा का एक हिस्सा है, तो शाह शुजा ने वहां अराकान के राजा के यहाँ शरण ली। वो बड़ी दुखद कहानी है लेकिन और फिर उसकी कहानी वही खत्म हो जाती है शाह शुजा की, उनकी बेटियों के साथ जो कुछ वहां राजा ने किया। या पर मुझे एक चीज ठीक लगी कि इसके बावजूद औरंगजेब ने फिर अराकान के राजा के खिलाफ अभियान भेजा, अपना एक सेना भेजी कि बदला लेना है, भले उसी भाई के साथ जो कुछ हुआ जिसके साथ उनका झगड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि भाई जो कुछ भी है थे तो आखिर मुगल ही मेरे भाई थे, और इनके साथ गलत किया गया, इनकी बेटियों के साथ गलत किया गया, इन्हें मार दिया गया, तो उन्होंने वहां पर फिर एक एक्सपीडिशन भेजा। तो ये जो एक्सपेडिशन है उसमें दो प्रमुख सेनानी शामिल थे, एक था मीर जुमला और दूसरे थे दिलेर खान। अब जैसे मैंने कहा कि ये नाम पहले भी सुनाए मिलते हैं हमें, मीर जुमला और दिलेर खान। हाँ, तो दिलेर खान का नाम और इसके बाद में ऑफकोर्स पुरंदर का जो तय होता है उसके रिलेशन में आता है। अच्छा। और मीर जुमला जो है वो पहले दक्षिण भारत में रहता है, वो औरंगजेब से आके मिलता है। अच्छा। अब ये दोनों जो है उन्हें पता चलता है कि आसाम की स्थिति कुछ नाजुक है, ये अपना मोर्चा जो है वो आसाम की तरफ घुमा देते हैं, ठीक है। ये बात है मेरे ख्याल से 1662 की होगी, 1661-62 की। फिर
मीर जुमला और दिलेर खान ये शुरू होते आसाम के पश्चिमी किनारे से और वहां से चलते 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 गुवाहाटी भी उनके हाथ से चला जाता है, अहोम के हाथ से। ये 1663 की बात होगी। और गुवाहाटी के आगे पूर्व की तरफ के गढ़गांव करके एक शहर है, गढ़गांव जो अहोम की राजधानी रही, राजधानी रही। तो इनके राजधानी बचा लेते हैं लेकिन गुवाहाटी इनके हाथ से चला जाता है। प्लस वहां पे एक जगह है गिरिजर घाट नाम की। तो गिरिजर घाट पे जो है ये मुगल और अहोम एक तह करते हैं और ट्रीटी होती है जिससे गुवाहाटी तो उनके हाथ से चला जाता है। उसके आगे भी कई सारे कलमे हैं, उस तह में 10-12 कलम है। उसमें महत्वपूर्ण कलम यह है कि एक तो गुवाहाटी पूरी तरह मुगलों के हाथ में होगी, फिर वो कुछ पैसे मांगते, इतना इतना सोना चांदी हमें देना है, अर्पण करना है, और फिर कुछ अभी असम के जो हाथी है ये लड़ाई में युद्ध में काम आता है। हाँ बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इनका जिक्र थेट महाभारत में, बिल्कुल महाभारत में जो भागदत्त है जो कौरव के साइड मतलब जो दुर्योधन की तरफ से लड़े थे, उनकी बेटी की शादी हुई थी दुर्योधन से। तो ये भागदत्त का जो वर्णन है वो ऐसा ही है कि ये असम की तरफ से आए थे अपने हाथी का दल लेके। तो तभी से देखते राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत देख सकते हैं कि असम और असम के हाथी लड़ाई के लिए बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध थे वो तभी से जी। और इनफैक्ट आप अगर गुवाहाटी जाओगे तो गुवाहाटी में एक बड़ा सा तालाब है। तो तालाब को माना जाता है कि ये भागदत्त ने खोदा हुआ है अपनी बेटी के लिए। तो ये वहां की कहानी रही। 1663 में गुवाहाटी हाथी जा चुका था और जो असम एक बेटी थी रमनी घबरू करके उन्हें मुगल हारम में दे दिया था एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी। मतलब उनकी उम्र थी 6 साल, तो 6 साल की जो बेटी थी वो भी चली गई थी हाथ से इस ट्रीटी के चलते। अच्छा, 6 साल की राजकुमारी भी गई अहोम साम्राज्य की और हाँ। गुवाहाटी भी गया और बहुत सारी धनराशि भी गुवाहाटी को यानी कि अहोम साम्राज्य को मुगलों को देनी पड़ी। तो ये पहला सेटबैक था जो अहोम को लगा होगा मुगलों के हाथ। करेक्ट। तो इतनी मतलब इतना सारा विनाश भी हुआ नहीं था। ये सब करके आपको दिलेर खान और मीर जुमला जो वापस दिल्ली लौट गए और वहां पर अपनी मुगलों ने फौजदार रख दे, फिरोज खान नाम के फौजदार गुवाहाटी में रखे हुए थे। अच्छा, तो उनको उधर संभालने के लिए भेजा, संभालने के लिए भेज दिया था। और शाइस्ते खान तो बंगाल में थी, शाइस्ता खान जो औरंगजेब के मामा थे और शिवाजी से लड़े तो लेकिन कभी जीत नहीं पाए थे। हाँ। तो अभी क्या हुआ था कि ये एक मेंटली बहुत बड़ा शॉक था अहोम के लिए कि जो भी ये 1663 की बात है तो इससे पहले ऑलरेडी 300-400 साल हो गए थे जब वो आक्रमण झेल रहे थे। हाँ, जीतते 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 कभी कुछ हुआ ही नहीं। 400 साल से जब आक्रमण झेले जा रहे हैं, वो वहां मानस नदी पे रोके जा रहे हैं, तो कोई जीत नहीं पा रहा है। और इतने बार हार चुके थे कि वहां मुगल दरबार में और दिल्ली में मतलब ये प्रचलित हो चुका था कि वहां बंगाल के पार एक विचक्राफ्ट में जादू टोने की एक नगरी है कि जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। वाह, वहां जाओ मत, वहां पे जादू टोने की नगरी है। वहां तो हार हो गई, हार हो गए, कोई मतलब कहता नहीं होगा कि जी मैं चलता हूँ, महाराज क्या बात कर रहे हैं, मैं जीत के लाता हूँ, ऐसा कोई कहने वाला था नहीं। हाँ, हिस्ट्री की हार की। जो जाता है वो हार के वापस आ जाता है, तो वहां पे जादू टोना ही होता है, हमें जाके फायदा नहीं है। तो 20 पीपल हैड लॉस्ट। तो जादू टोने के बारे में लेकिन ऐसा केवल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि कभी कोई जीत नहीं पाया अहोम को, या फिर वाकई ऐसी कोई संस्कृति परंपरा भी जादू टोने की वहां पर थी भी? और थोड़ी बात तो ये भी है कि एक ट्रेवल कल्चर था, लेकिन वो तो सब दूर ही था इन मेनी प्लेसेस। कि इवन इन जो असम है उसमें कल्चरली काफी एडवांस हो चुके थे बाय द टाइम ये 16th-17th century गुवाहाटी में, गढ़गांव में। लेकिन वन पार्ट वाज दिस कि दे कुडंट टेक इट, इसलिए वहां पे जादू टोने की जगह पे भी मतलब अगर किसी को हराना है तो वहां भेज दो उसे। ये एक मानसिकता थी। प्लस मुगल कहते थे कि आसाम जो है वो एक अरबी में अलिफ करके आता है,
अलिफ, जो पहला बिल्कुल अल्फाबेट जो है, जो पहला अल्फाबेट है वो सेपरेट रहता है बाकी सबसे। हाँ, तो ये असम भी जो है वो अलिफ की तरह है, बाकी पूरा देश इस तरफ है, वो अलिफ अलग तरफ है। और ये मेरे ख्याल से मेंटालिटी कुछ हद तक आज के जमाने में आ चुकी है, आज के जमाने तक आ चुकी है कि असम और नॉर्थ ईस्ट अलिफ की तरह सेपरेट है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो लेकिन आप अगर देखोगे तो इनफैक्ट कल्चरली कनेक्शंस ज्यादा है रादर देन दी डिसकनेक्शंस। बिल्कुल ठीक है। तो अहोम जो है गुवाहाटी को हार गए, 6 साल की राजकुमारी को हरम में भेजना पड़ा दिल्ली में, और इसके अलावा बहुत सारा पैसा मुगलों को देना पड़ा, और मुगलों का गवर्नर फाइनली गुवाहाटी में आ गया, जैसा कि बाकी देश के हिस्से में भी था। फिर ऑब्वियसली पहली बात ये थी कि ये वापस लेना चाहिए गुवाहाटी, ये तो मिला कहने वाली बात थी। लेकिन अहोम राजा थे, उनके कई सारे मंत्री थे, उसमें मंत्री में से सबसे महत्वपूर्ण एक अतन बुरागोहन नाम के मंत्री थे। तो आज के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैन कंसीडर हिम इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जब ये हार चुके थे कि गुवाहाटी हाथ से जा चुका है, वहां पे मुगलों का शासन है, हमारे हाथ पे बस गढ़गांव बचा है थोड़े बहुत किले आसपास के, तो वहां पे एक दुविधा हो गई थी अहोम दरबार में। कोई लोग कह रहे थे कि कुछ भी अभी जो सैन्य बचा है सब इकट्ठा करके इस गुवाहाटी के फौजदार को यहाँ से हटा देते, क्योंकि मीर जुमला और दिलेर खान की तो फौज जा चुकी है। हाँ, दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए, इनकी बड़ी फौज तो दिल्ली जा चुकी है, ये बस अभी एक छोटा सा फौजदार बैठा हुआ है, हम एक फौज इकट्ठा करके इसका तख्ता पलट कर देते हैं बस, और फिर गुवाहाटी हमारे हाथ में होगी। लेकिन अतन बुरागोहन समझाते हैं कि ये बहुत एक इम्पल्सिव डिसीजन होगा, क्योंकि एक बार हमने गुवाहाटी इनके हाथ से ले ली तो औरंगजेब वापस एक फौज भेजेगा किसी के हाथ, और फिर हम क्या करने वाले इसके बारे में। हाँ, उसके तो बाद का सोचो, क्योंकि बाद का सोचो। तो इन्होंने कई सारे ऐसे उदाहरण भी दिए, उन्होंने कहा कि अगर एक चिड़िया होती है, चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, ये चिड़िया के बच्चे अगर उड़ने से पहले, मतलब बड़े होने से पहले अगर कूद जाते हैं घाटे में से, अगर हाँ घोंसला छोड़ देते हैं, अगर 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 घोंसला छोड़ देते हैं तो फिर वो उड़ नहीं पाते, वो किसी जानवर के हाथ लग के खाए जाएंगे, तो फिर खाए जाते हैं। हाँ, देन आल्सो गिव एन एग्जांपल कि एक अगर नाव होती है, तो बोट, वो चलाने वाले अगर अलग अलग दिशा में चलाने लगे तो फिर नाव कहीं नहीं जा पाती, नाव कहीं नहीं जा पाती। तो अलग अलग से उदाहरण रहेगी कि हमें पहले प्रिपरेशन करना चाहिए, और उसके बाद जब गुवाहाटी पर हल्ला होगा, जब हमला होगा गुवाहाटी पर, तो उसके बाद जो प्रति हल्ला होगा मुगलों की तरफ से, वो झेलने की क्षमता हमें होनी चाहिए। और इसलिए 1663 से लेके 1666 दिस एंटायर टाइम पीरियड उन्होंने बिताया था सिर्फ अपनी फौज खड़ी करने में बस, और पूरा सब ट्रेनिंग देने में लोगों में। अच्छा, और लचित बोरफुकन को एक सेनापति बनाने में तो बहुत साल हो गए, मतलब तैयारी में। हाँ, तैयारी में 3 साल लग गए। अभी 3 साल में आप देख सकते हो कि इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इनका स्पाई डिपार्टमेंट ये कितना सक्षम रहा होगा कि मुगलों को भनक लगी नहीं कि 3 साल तक कुछ हो रहा है। ये लोग अपनी तैयारी में छूट गए, इन लोगों ने अपने ट्रीटी पे पीछे नहीं गए कभी। आसम राजा ने वो उसे बताया गया था कि 20 या 30 हाथी देने, तो वो हर महीने एक एक हाथी भेजता था, कहता था कि बारिश इस साल ज्यादा हुई है, तभी 2-3 महीने कुछ हाथी दे नहीं पाऊंगा, फिर बारिश रुकने के बाद फिर कोई हाथी, 2 हाथी पकड़ के आता थे, फिर 2 हाथी भेजते थे। तो मुगलों की तरफ से क्या है कि ट्रीटी बराबर समझौते की तरफ सब चल रहा था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों ने अपनी सैन्य तैयार करना शुरू किया था, और इसी का एक हिस्सा था लचित बोरफुकन। अच्छा, जो उनके सेनापति बने थे, वो इस सेना को ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके सामने एक टारगेट है, गुवाहाटी छुड़ाना है, और उसके बाद बचाना है बाकी साम्राज्य भी, क्योंकि मुगल तो आएंगे जरूर फिर। तो लचित बोरफुकन जो है एक वैसे कहा जा सकता है कि मंत्री के ही फैमिली से, मंत्री के ही परिवार से आए थे, उनके पिता जो थे मोमई तमुली बारबरो उनका नाम था।
वो एक मंत्री थे अहोम शासन में, अच्छा दरबार में, और दरबार में थे। और लचित बोरफुकन पहले जब उम्र में छोटे थे तभी इन मंत्री के कागजात यहाँ वहां ले जाना, फिर उनके जो अच्छा सेक्रेटरी का जो काम होता है, जो जूनियर पिता के काम करते रहते थे, वो ऑफिस करते रहते थे, तो ये सब जूनियर काम से। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मीर जुमला का जब हमला हुआ था तभी उन्होंने लड़ाई की थी, एक दिखाऊ मुख करके जगह है गुवाहाटी के पास में, वहां पे थोड़ी लड़ाई हुई थी इनकी मीर जुमला के सैनिक के साथ। अच्छा, आगे चल के इन्हें जो रॉयल बॉडी गार्ड होता है, डोला तक्षारिया कहते हैं उसे, जो रॉयल बॉडी गार्ड है उनके जो हेड है, उनके जो प्रमुख है वो थे लचित बोरफुकन। अच्छा, और इस पद पे जब थे एज हेड ऑफ रॉयल बॉडी गार्ड तभी उन्हें बोरफुकन बनाया गया था। बोरफुकन तो मतलब सेनापति, सेनापति। तो अहोम सेना में कैसे इट्स वेरी रेजिमेंटेड स्ट्रक्चर, बहुत सही से रेजिमेंट किया हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसे मॉडर्न आप सैन्य में देखोगे इस प्रकार के ही वहां पे रेजिमेंटेशन किए। अच्छा, आज के जो कई सारे असामीज सरनेम्स है वो अहोम मिलिट्री स्ट्रक्चर से आए हुए हैं। अच्छा, और अलग अलग गट को अलग अलग नाम दिए गए थे हेड को, मतलब जैसे कि आप देखोगे ये जो डेका है वो तो 10 सोल्जर है, 10 सैनिक का एक प्रमुख होता था वो डेका होता था। अच्छा, जो साइकिया है वो 3000 के होते थे, 3000 सैनिक का जो है। हाँ, क्योंकि ये तो वो टाइटल्स हैं जो हम आज भी एसएमईज में बहुत सुनते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं डेका भी हैं, साइकिया भी हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक सेना का स्ट्रक्चर है वहां से निकल कर आया है वहां से। अच्छा, तो असम ही नहीं बाकी देश में भी कई सारे ऐसे सरनेम्स हैं जो कि एक जमाने में टाइटल डिपोस्ट हो गए थे। मजुमदार फॉर एग्जांपल, मजुमदार है काफी कॉमन सरनेम है, मजुमदार। तो मजुमदार तो ये सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी को मजुमदार कहते थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ, लेकिन जी मिलिट्री रैंक्स में तुम्हारा ये हो गया, सैकिया हो गए, डेका हो गए, और भी थे हजारिका, तो हजारिका तो ऑब्वियस है कि हजार की जो भूपेन हजारिका जहां से हजारिका। हाँ, देखिए अब ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप सही कह रहे थे कि हमने ये सब उपनाम सुने हैं, ये टाइटल्स हमारे संज्ञान में तो हैं, लेकिन इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो हमें इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि हमने कभी असम की तरफ देखा नहीं। सही है। और फिर एक फुकान होते थे, फुकान भी एक सरनेम है, ख्याल से 6000 के जो है फुकान है। और जो बोरफुकान था वो ये सारे जो तुम्हारे सेनानी है, सारे जो प्रमुख है, ये सारे के सारे इनके ऊपर जो था वो था बोरफुकान, बोरफुकान सेनापति पूरा। ठीक है, और कुल मिला के इनका जो है मेरे ख्याल से कुछ 60-70 हजार की, या फिर 50-60 हजार की फौज होगी। अच्छा, अंडर लचित बोरफुकान। एक और जो नाम आता है बरुआ, तो बरुआ अलग अलग डिपार्टमेंट के होते थे, एक हाथी बरुआ होता था which was only about elephants। अच्छा, मतलब एक तरह का विभाग प्रमुख, डिपार्टमेंट का हेड बरुआ, डिपार्टमेंट हेड बरुआ। तो डिपेंडिंग ऑन देयर डिपार्टमेंट अलग अलग नाम होते थे। अब वो डिपार्टमेंट नाम तो हट गया है लेकिन बरुआ नाम स्टिल एग्जिस्टिंग वेरी कॉमनली इन असम। यस, सो दैट इज हाउ लचित बोरफुकन बेसिकली बिकेम बोरफुकन। इन्हें अपॉइंट किया गया कि अभी ये सिंह तुम्हारे हाथ में, पहला लक्ष्य है कि गुवाहाटी को छोड़ाना है। और फिर ये जो पूरी तैयारी की गई थी विद ऑल दीस सोल्जर्स, ही मूव्ड वेस्ट टुवर्ड्स गुवाहाटी इन 1667। ओके, गुवाहाटी पर जब ये मुगल फौजदार था वहां पर, इससे पहले एक घटना हुई थी जिससे कि एक स्पार्क मिला था इस पूरी लड़ाई को, क्योंकि एक प्रिपरेशन 3 साल से चल रही थी। फिर जो मुगल फौजदार गुवाहाटी के वो थोड़ा बदला हुआ था, एक नए फौजदार आए थे फिरोज खान नाम के, ये गुवाहाटी आ गए, गुवाहाटी से उन्होंने एक नोटा भेज दिया, एक मैसेज भेज दिया गढ़गांव कि हमें गुवाहाटी में आसामीज लड़कियां चाहिए मनोरंजन के लिए। तो ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका लड़ाई का,
और अहम जो सम्राट थे चक्रधर सिंह, इन्हें लगा कि अभी ये जो स्पार्क, ये तो बर्दाश्त करने बात ही नहीं कि आप यहाँ से एक पत्र भेज दोगे गुवाहाटी से गढ़गांव, वो भी राजा के हाथ, कि हमें आसाम की लड़कियां चाहिए मनोरंजन के लिए गुवाहाटी में. सो दिस वाज समथिंग आई कुडंट टॉलरेट एंड डिसाइडेड कि दिस इज द मोमेंट कि अभी हमें हमला करना ही चाहिए. और वो पूरी फौज जो है गढ़गांव से निकल के गुवाहाटी गई, फिर वहां पर लड़ाई हुई. और गुवाहाटी में जो इताकुली करके किला है, आज जहाँ पर गुवाहाटी में शुक्रेश्वर का मंदिर है जी, और अंग्रेजों के जमाने में एक डिप्टी कमिश्नर बंगला बनाया था, तो वो सारा जो इलाका है जो अभी गुवाहाटी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, तभी थोड़ा सा दूर था शहर से, किला था वहां पर. और किला जो है वो नदी थोड़ा हाइट पर था, नदी से भी और शहर से भी. अभी लचनपुर फुकन को किला हाथ में आ नहीं रहा था. फाइनली इन्होंने एक योजना अपनाई कि रात के समय घुसकर, जिसे हम गुरेला वॉरफेयर कहते हैं, कि गनी में कावा कहते हैं मराठी में, या फिर इंग्लिश में गुरेला वॉरफेयर कहते हैं, तो इसका एक बहुत ही युद्ध, हाँ, तो इसके आसामीज में एक शब्द लिखा हुआ है इसके लिए, दगा युद्ध, विच इज द वेरी करेक्ट वे ऑफ, हाँ, दगा युद्ध, धोखा, धोखा वाला युद्ध, मतलब नाम ही वही है. तो उसमें किताब पढ़ोगे तो ये दगा युद्ध करके जीता गया. अच्छा, तो एकदम उपयुक्त नाम है दगा युद्ध. तो वही क्या, रात के समय उन्होंने क्या किया, रात के समय गढ़ चढ़ के मुगलों के जो तोफ थी उसे पानी भर दिया. अब सारे तोफों में पानी भर दिया. और वहां से अगले सुबह जब हमला हुआ अहोम का उस किले पर, तो मुगल कुछ कर नहीं पाए और वो किला जो है इटावली का और गुवाहाटी का जो शहर है वो पूरा उनका हाथ से चला गया. Okay. तो अराउंड नवंबर 1667 अहोम राजा ने फिर से गुवाहाटी और उसका आगे का मानस नदी तक का जो इलाका था वो फिर से जीत गया. 3-4 साल के बाद गुवाहाटी फिर अहोमों के पास चला गया. ऑब्वियसली इसका ये जो न्यूज है, ये जो खबर है, सूचना दिल्ली पहुंच गई. तो भी तब तक औरंगजेब आगरा आ चुका था, तो ये खबर 3-4 महीने में उससे पहले ही आगरा तक पहुंच गए कि जो गुवाहाटी जो मीर जुमला और दिलेर खान ने इतने 300 साल बाद जीती हुई थी, वो उनके 3-4 साल में वापस हाथ से चली गई थी. एंड ऑब्वियसली इसका एक जवाब तो आना ही था आगरा की तरफ से. शुड आई कंटिन्यू? हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज. तो अभी तो कहानी में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है. ये तो अब शुरू हुई है. तो ये गुवाहाटी अभी आज से चला गया. अभी नाउ केम द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम, कि लचू बुखा ने कहा कि ठीक है, अभी तो दिल्ली में फौजदार बैठा हुआ था, अभी हटा गया. ये तो बड़ा आसान था ना हटाना, गुवाहाटी में चंद सैनिकों के साथ बैठा हुआ था, बैठा हुआ था वो, फिर भी किला उसमें हाथ पे था. लेकिन कुछ एक ये अलग योजना करके वो बंदूक बंदूक में पानी वानी भर गया हमने, इसलिए वो गुवाहाटी हमारे हाथ में आ चुका है. लेकिन अब औरंगजेब जो फौज भेजेगा, वो बड़ी फौज यहाँ पर फिर से आएगी. अगर दिलेर खान वहां पर हो सकता है, दिलेर खान खुद होगा उस फौज में शामिल, अब फिर कोई और होगा. तो ये जो इनकी यहाँ पे 50-60-70 हजार की फौज यहाँ पे उतरने वाली, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ने वाले हैं? क्योंकि कई सारे, अब यहाँ आप देख सकते हो कि लचित बोरफुकन की और अहोम लोगों की स्ट्रेटेजाइजिंग कितनी एडवांस थी, नॉलेज कितना एडवांस था पूरे ब्रह्मपुत्र का और अपने ब्रह्मपुत्र वैली जिसे कहते हैं, पूरा रीजन ब्रह्मपुत्र वाला. तो लचित बोरफुकन का कहना था कि हमें ऐसा करना चाहिए कि, कुछ लोग कह रहे थे कि सारा का सारा सैन्य जो है वो तेजपुर की तरफ लेके आते हैं. अच्छा. या फिर उससे पहले आसपास और गढ़गांव और भी गुवाहाटी के बीच में जो है वहां पर. फिर लचित बोरफुकन कह रहे थे कि अगर यहाँ पे हम अगर हम हार जाते इस जगह, तो उसके बाद तो है नहीं राजधानी बचाने के लिए. कुछ लोग कहना कि एक काम करते कि सारा का सारा जो है पूरा सैन्य आके गढ़गांव में बैठते, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस बना हुआ है पहले, कैपिटल में बैठ जाते हैं. कैपिटल में बैठ जाते हैं, यूक्रेन टाइप मामला करते हैं कि अंदर तो आने दो, बस कैपिटल ही जीतते थे. फिर वही रिस्की था कि अगर ये हार गए तो कोई है नहीं, फिर कुछ बैकअप प्लान तो है नहीं उसके बाद तुम्हारा अगर चला जाता. तो लचित बोरफुकन और आतंक बोरा इनका कहना था कि गुवाहाटी को ही डिफेंड करते हैं. और यहाँ पर उनकी इतनी बार कहा
दिखाई देता है कि गुवाहाटी इज एट दी नैरोएस्ट पॉइंट, सबसे जो नैरो एरिया है, जो नैरो जगह है ब्रह्मपुत्र की, वो है गुवाहाटी में। सबसे संकरी वही हो जाती है, संकरी वही हो जाती है, और संकरी होके भी वो शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 माइल चौड़ी है। हाँ, संकरी होने में भी बहुत बड़ी है भाई। संकरी होके 1 माइल हो जाती है, तो बाकी जगह वो 3-3, 4-4, 5-5 माइल। बाप रे, बहुत विशाल का नदी, बहुत विशाल नद है। और वहां पे अगर आज भी भर के ऐसी चलती है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जब आज ये हालत है तो उस वक्त तो उसे पार करना मतलब अद्भुत है, 500 साल पहले, 400 साल पहले। इनफैक्ट गुवाहाटी का और थोड़ी पूर्व की तरफ जाओगे तो मजुली करके वहां पे बेट आता है, मजुली। हाँ हाँ, तो मजुली पूरा का पूरा बेट नदी के बीचों बीच इतना बड़ा है कि वहां पे लोग बसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पर सबसे संक्रिय हो जाएगी 1 माइल 1.5 माइल। इससे 2 फायदे हो गए। एक तो क्या है कि पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ जाएगा नैरोइंग की वजह से। जहां संकरी है वहां पानी का प्रवाह तेज होगा, तेज होगा। पानी जो है तुम्हारा पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ बह रहा है, तो जो वहां से आक्रमण अगर होता है पश्चिम की तरफ से आक्रमण हो रहा है, आक्रमण होता है तो यह आर अपोजिंग द वाटर फर्स्ट। बिल्कुल, मतलब मुगल सेना को पानी के प्रवाह के उल्टी तरफ आना है तो उनकी ताकत तो यूं भी ज्यादा लगनी है। हाँ, दूसरा फायदा क्या था कि अगर आप कहीं और लड़ते हो जहाँ पे तुम्हारी नदी 5 या 6 मील चौड़ी है, तो मुगलों के पास जो जहाज थे वो 10, 12, 16 बंदूक लगाए हुए बड़े बड़े जहाज थे। अच्छा। ये बेसिकली जो है तुम्हारे किनारे पर लड़ने के लिए बनाए हुए थे, कोस्टल वॉरफेयर के लिए बड़े थे। ये अगर तुम्हारे 5 और 6 माइल जगह में आ जाते हैं तो उन्हें खुला मैदान मिल जाएगा लड़ने के लिए। नैरो करोगे तो हमारे पास जो छोटी छोटी नावें हैं, जो छोटे बोट है, वो ज्यादा काम आएगी। अच्छा। और प्लस यहाँ पे गुवाहाटी एक बेस बना सकते हैं। गुवाहाटी को सारी चारों तरफ से गढ़ बनाए गए थे, जिसे हम गढ़ी कहते हैं। वहां पे गढ़ लिखा है, लेकिन हमें जो हम जिसे गढ़ी कहते हैं कि पूरा एम्बैंकमेंट बनाए गए थे वो गुवाहाटी को प्रोटेक्ट करने, ताकि अगर उन्हें लैंड की तरफ से, अगर जमीन की तरफ से जंगल वहां से अगर गढ़गांव तरफ बढ़ना है तो गुवाहाटी रास्ते में है, पहले उसे जीतना पड़ेगा। वो गुवाहाटी के आसपास से गढ़ी बनी हुई है, तो कई सारे लड़ाई जो हुई वो वहां पे इसी बात पर हुई थी कि गढ़ी किस तरफ फोड़ के हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पे पूरी लड़ाई हो चुकी थी, और फाइनली जाके जब राम सिंह को वहां पर आता हमें कि हाउ यू आर सेंट फ्रॉम आसाम, सेंट फ्रॉम आगरा। लेकिन इनकी जो डिफेंसिव पॉलिसी ऐसी थी कि सबसे नैरो जगह पे इन्हें गुवाहाटी में जो है कैंप बनानी है अपनी। उन्होंने अगर लैंड पर, मतलब जहां ब्रह्मपुत्र की पश्चिम सॉरी नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ लड़ने की कोशिश की, तो उन्हें गुवाहाटी का सामना करना पड़ेगा, सारी गढ़ी का सामना करना पड़ेगा। एंड ड्रॉन इन टू अ रिवराइन वॉरफेयर। मुगलों को पता था कि अगर नदी पे लड़ना है तो हमारी वो ताकत है नहीं, इनकी ताकत थी जमीन पे लड़ना। हाँ, कभी नौसेना की जरूरत पड़ी ही नहीं। हाँ। जितना मुझे भी ख्याल आ रहा है तो यही तो हुआ था कि मुगलों के पास नौसेना जरूर थी, औरंगजेब के पास थी जरूर, और हाँ। वो मुझे अभी खूब अच्छे से याद है कि तबाह भी की थी, शिवाजी ने भी हमला किया था उस पर, क्योंकि सूरत और उसके आसपास भी लोग रहते थे। लेकिन इस तरफ एक तो नावों को ले जाना, और कभी इधर जरूरत भी नहीं पड़ी, कभी बहुत बड़ा कोई अभियान भी नहीं छेड़ा, तो ये तो बड़ा कठिन था कि वहां पर एक फुल फ्लेजर्ड नेवल ताकत जो है उनके पास हो और उसके साथ वो लड़े भी, और कभी वो कुशलता भी नहीं थी। सही कह रहे हैं आप, कभी अंग्रेजों की तरह, पुर्तगालियों की तरह तो लड़ना हुआ नहीं पानी में। तो लचित बोरफुकन ग्रेटनेस लाइज इन टू थिंग्स। वन इज कि ही फोर्स्ड द बैटल टू टेक प्लेस ऑन द वाटर। जो आखिरी लड़ाई हुई सराय घाट की, वो पानी पर ही हुई। एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ पास्ट 4 इयर्स। पिछले 4 साल से लड़ाई हो रही थी, उसका एक रिजल्ट था कि बाकी सब जो भी पर्याय थे और एवरीथिंग एल्स दैट द मुगल्स अटेम्प्टेड, दे कुडंट सक्सीड। तो दिस इज लचित बोरफुकन्स पार्ट। अभी वहां औरंगजेब के साइड से ऑब्वियसली 1667 पता चल गया था कि गुवाहाटी आके जा चुका है। उसी समय छत्रपति शिवाजी जो है वो आगरा से भाग गए थे, वापस चले गए थे स्वराज्य।
बिल्कुल, राम सिंह की कोठी से, जो मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे थे राम सिंह। सही सही। तो फिर भाई औरंगजेब ने सोचा कि वे दो काम करते एक साथ, कि राम सिंह को इस तरह भेज देंगे। हाँ, औरंगजेब नाराज था एक्चुअली, बिल्कुल ठीक, मिर्जा राजा जय सिंह से भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था औरंगजेब को कि इनकी सेटिंग हो गई शिवाजी से और उस तरफ, और राम सिंह तो बेटे ही थे कि ये सब सेटिंग करके मुझे धोखा दे रहे हैं, सब कछवाहे, तो अब इनको ना मैं थोड़ा ठिकाने लगाता हूँ, इनके कल ठिकाने लगाता हूँ, दूर दूर भेजता हूँ यहाँ से। तो एक तो दिलेर खान वहां पे कई डक्का में ही थे, उसके बाद राम सिंह को भेजा गया, लेकिन राम सिंह की तैयारी पूरी थी। राम औरंगजेब ने ऐसा हिडेंट से कि राम सिंह को भेज दिया, साथ में फौज भेजी नहीं थी, मतलब वो हारना तय हो चुका था, ऐसी कोई बात नहीं है। राम सिंह को भेजा गया था, उन्हें पूरे एक चांस दिया था कि तुम वहां पे जाओ और जीतने की कोशिश करो। एक टफ जॉब था जो राजा ने असाइन किया, बॉस ने असाइन कर दिया था कि अब तुम यहाँ मौज नहीं लोगे आगरा में, जाओ कुछ करके दिखाओ पहले। और उसके साथ में कई बड़ी फौज भेज दी थी, कमाई खास 22-23 ठाकुर थे उनके फौज के साथ, प्लस उनमें अलग अलग फौज मिलती रही, जैसे वो बिहार की तरफ गए, फिर शाइस्ते खान से मिले, शाइस्ते खान ने भी इन्हें फौज दी और सैन्य और बढ़ाया उनका। वैसे चलते चलते फिर वो 1670 के आसपास, 1669 के आसपास गुवाहाटी आके पहुंचे। फिर अगले 2-3 साल इनकी लड़ाई होती रही आसाम और मुगल में। रामसिंह की कोशिश यही थी कि जो गुवाहाटी में जो गढ़ी बनी है इसे तोड़कर करे गुवाहाटी पे कब्जा, फिर उसके बाद आगे तो डिफेंस ज्यादा है नहीं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते गढ़गांव पर कब्जा कर ले। दिस वाज द मुगल स्ट्रेटजी, और इन्होंने दोनों तरफ कोशिश की थी, पूर्व सॉरी जो उत्तर की तरफ किनारा है वहां से कोशिश की, फिर जो दक्षिण की तरफ किनारा है वहां से कोशिश की, लेकिन असफल है। इन सबके बीच एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है लचित बोरफुकन के लेकर, जिसे अभी भी आज भी पीपल रिकॉल वेरी फोनली आसामीज पीपल। तो वहां पे जो अभी ज्यादातर गाड़ी बची नहीं है जो उस समय बनाई गई थी, क्योंकि ये मोस्टली तुम्हारी मिट्टी की और बम्बू की और ईट की बनाई हुई थी, पत्थर की दी गई। तो जैसे अभी बीच में 300 साल गुजर चुके हैं, कई सारे जगह पे अब पानी में या नदी के बढ़ते बह चुकी है, कई सारे इस पे अलग अलग रास्ते बनाए गए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो ये ज्यादा बची नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह है जहाँ पे गढ़ी तब की बनाई हुई थोड़ी बहुत बची हुई कायम है। ठीक है, इनमें से जो है कहते हैं कि एक मुमाई कोटा गढ़ करते हैं जी, मुमाई कोटा गढ़ का ट्रांसलेशन है वो गढ़ी जहाँ मामा को मारा गया था। ठीक है, अब ये कहानी ऐसी है और ये एग्जैक्टली गढ़ी कौन सी किसको पता नहीं है, लेकिन ये कहानी का तो मतलब जो घटना है उसका जिक्र तो किया हुआ है कि गढ़ी बनाने का काम शुरू था, पता चल गया था कि राम सिंह जो है वो ढाका तक पहुंच चुका है, अभी कुछ ही दिनों में गुवाहाटी पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक हिस्सा था गढ़ी का जो कि पूरा हुआ नहीं था अभी तक, और वहां पे लचित बोरफुकन जा पहुंचे, देखा कि यहाँ पे गढ़ी का तो काम अधूरा पड़ा हुआ है, वहां के जो प्रमुख थे उनके मामा थे, खुद के अपने मामा थे, अपने मामा थे, और उन्होंने कहा कि अभी कल सुबह तो हो जाना चाहिए काम, क्योंकि अभी आक्रमण को भी किसी भी समय हो सकता है। और वहां से इतना वो बता के चले गए कि काम पूरा करो। अब उनके मामा थे लगा कि मेरा ही भांजा है, क्या होने वाला है, अभी मुगल तो अभी ढाका पहुंचे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, यहाँ तक मेरे पूरा दिन काम चलता ही रहा है यहाँ पर, सब थके हुए, तो उन्होंने काम टाल दिया। तो काम टाल दिया, अगली सुबह लचित बोरफुकन को पता चला कि ऐसा हुआ है कि पूरी रात कुछ काम हुआ नहीं है और वो गड़ी वैसी की वैसी है। तो लचित बोरफुकन ने तुरंत अपने मामा को बुलाया, मैं पूछा कैसे क्यों किया, उन्होंने बताया कि हम सब थके हुए थे, ऐसा है हमें लग नहीं रहा है कि मुगल यहाँ आ पहुंचेंगे। तुरंत लचित बोरफुकन ने आदेश छोड़े कि इन्हें उनकी गर्दन छाटनी चाहिए। ठीक है, तो तब से एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी और पेट्रियोटिज्म का एक प्रतीक माना जाता है ये पूरा इंसिडेंट, पूरी घटना। तो आप देख सकते हो कि
आक्रमण होने वाला है, हिडन लेटेस्ट पर्सनल रिलेशंस कम इन द वे कि मेरे मामा या खुद के या मैं किसी ने मार सकता हूँ, जो रूल था वो रूल था। अगर काम दिया है तो होना चाहिए, राजा का काम है। हाँ, चाहे कोई भी, अगर मामा हो चाचा, राजा के खिलाफ जाओगे तो ये तुम्हारी सजा है। डेथ वाज द पेनल्टी फॉर ट्रीजन एंड इट वाज कैरीड आउट। तो ये घटना हुई राम सिंह के आक्रमण के टाइम। फिर एक दूसरी घटना है विच शोज एज टू हाउ ही वाज परसीव्ड एज अ लीडर। अभी राम सिंह आए, लड़ाई वड़ाई शुरू हो गई, फिर उसमें राम सिंह ने एक खत भेजा लक्ष्मण फुकन को, कैसे ऐसा है तो अभी लड़ने के लिए हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अलग अलग जो तो सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, इस टाइप की डिप्लोमेसी चलती है। अब राम सिंह ने क्या किया था, जो अफीम की बी होती है ओपीएम सीड्स जी, वो भेजे थे कि हमारी फौज इतनी मजबूत है इतनी अफीम की बी की तरह, अफीम सीड्स की तरह, तो हमसे लड़ना छोड़ दो। और फिर ऑफकोर्स इसका रिप्लाई भी लचित बोरफुकन की तरफ से गया। उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र किनारे जो रेत थी वो रेत भर दी उसी थैली में। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अगर ये अफीम के है तो हमारी ये जो रेत है उतनी से हमारी है, तुम गिन लो। तो मैसेंजर भेजे थे, उन्होंने कहा, उनसे कहा था कि तुम बस जाओगे, राम सिंह को ये खत दे दोगे और वापस आ जाओगे, और कुछ करना नहीं वहां पे। जब वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वो अब वो मुगल सैन्य था, राम सिंह वहां के मनसबदार थे, तो पूरा आलिशान सब बनाया हुआ था। मतलब वो मुगल जब सैन्य जब मनसबदार वगैरह जब व्हेन दैट आर्मी यूज्ड टू मूव तो पूरा एक रॉयल एंटरेज चलता था, वो फ्रेंड टू फ्रेंड रहेगा, ये रहेगा, वो सब ताम झाम साथ में। तो उन्होंने देखा कि अरे इतना सब कुछ आलिशान यहाँ पर है। उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ लकड़ी के पक्षी रखे हुए थे जिसपे रत्नजड़ित पक्षी थे, अच्छा हीरे थे उसपे, अलग अलग चला हुआ था। और राम सिंह ने देखा कि अभी ये दोनों जो है वो उसे देख रहे हैं, आकर्षित हुए उससे, और दोनों में से उन्होंने कहा, राम सिंह ने वो दोनों वो जो रत्नजड़ित पक्षी थे उठाए, उसके हाथ में थमा दिए कि आप ये ले जाओ। उसमें से एक ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैंने बस ऐसे देख ही रहे थे, हम जाना है लेना नहीं है। दूसरा जो है उन्होंने वो ले लिए कि ठीक है मैं कॉस्ट्यूम ले ली। लचित बोरफुकन को पता चल गया कि इसने राम सिंह से भेंट लिए, तो बुलाया उसे, कहा कि दिस इज एक्चुअली अ ब्राइब, व्हेन यू आर बीन टोल्ड, बताया गया कि तुम जाओ खत दो वापस आ जाओ, और एक ही काम दिया हुआ था, ये तुम्हारा काम है नहीं कि तुम दूसरों से मतलब वहां के जो मंत्री लेने का कोई मतलब भेंट का काम मतलब है नहीं तुम्हें, तो यू हैव टेकन दिस एज अ जेस्चर ऑफ व्हाट, मतलब हमारी लड़ाई चल रही है राम सिंह से, तो तुम जिससे लड़ाई चल रही है उनसे जब तुम भेंट वस्तु लेते हो तो ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन चाहिए लचित बोरफुकन को, तो वो दे नहीं पाया था और उसे तुरंत उसी समय कैद में डाला गया। तो थ्रू आउट द कैंपेन वी सी की अलग अलग उदाहरण है जैसे कि लचित बोरफुकन की लीडरशिप स्किल्स जो है एज अ पर्सन एज अ लीडर, अनुशासन है, कड़ाई है, और सबको समान भाव से देखने का भी एक भाव है, जब मामा है या फिर कोई दूत है। तो ये सारी क्वालिटीज इस कैंपेन में दिखाई देती है, एंड दिस इज हाउ ही मैनेजेस टू यू नो इंस्पायर हिज पीपल टू कीप फाइटिंग फॉर दिस कंटीन्यूअस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर अलग अलग लड़ाई होती रहती है, सेटबैक्स होते हैं, फिर उभर आते हैं, फिर उसमें से तीन चार साल बाद फाइनली हमारी सराय घाट की लड़ाई जो बहुत ऐतिहासिक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक फिल्म भी बनने वाली है। हाँ। और वही एक निर्णायक लड़ाई थी जिसके बाद फिर कभी मुगल नहीं लौटे, ऐसा सही क्या हुआ था उसमें? तो अब ये राम सिंह 1670 उसके आसपास यहाँ पे आ चुके थे, अगले पूरे साल डेढ़ दो साल की लड़ाई चल रही थी। इसमें कोई चीज ने जीत भी हासिल की, अलबोई करके एक जगह है गुवाहाटी के पास, अलबोई जी हाँ, जहाँ पर एक लड़ाई हुई थी जहाँ
ये अहोम के 10,000 या 15,000 सैनिक मारे गए थे। और जैसे ही ये पता चला औरंगजेब को, तो उन्होंने उनकी मनसबदारी जो है राम सिंह के बढ़ा के 5,000 कर दी थी। अच्छा ठीक है, मनसबदारी बढ़ा दी थी। उन्हें कहा था कि ठीक है मैं और यहाँ से रसद भेज रहा हूँ, शाइस्ते खान को भी बताया गया कि वहां से आप रसद भेजो। मतलब तो पूरी तैयारी हो चुकी थी कि अभी तो लड़ाई जीतनी है, यह हम भी जीतना असंभव नहीं है। अब यहाँ पर सारी जो लड़ाई हो रही थी गुवाहाटी के आसपास, पता चल गया था कि यहाँ से जीतना तो इतना आसान है नहीं कि तुम गुवाहाटी जीत के आगे बढ़ो। तो अब राम सिंह ने प्लान बनाया कि हमने नदी पर ही लड़ना है, नदी पर लड़कर इनके जो गुवाहाटी के पार निकल जाएंगे उसके बाद तो आसान है जीतना। इसलिए शाइस्ते खान ने भी वहां से जहाज भेजे बंगाल से, साथ में तुम्हारे पुर्तगीज और डच ये सेलर भी भेजे। तुम्हारे जो बालासोर है उड़ीसा में, बालासोर करके जो जगह है वहां पर मुगलों का एक डॉकयार्ड था, डॉक था जहाँ पे ये नाव बनाते थे, जहाज बनाते थे, तो वहां से जहाज बना के भेजे। और ये सब 16-16, 18-18 बंदूक रखे हुए जहाज थे बड़े बड़े। इसी समय जब इन्होंने पूरा ये जो प्लान बनाया हुआ था कि आप गुवाहाटी में जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी से पार निकल के आगे गढ़गांव जाना है, तो अराउंड दिस टाइम इटसेल्फ लचित बोरफुकन फेल इल बीमार हो गए, बीमार पड़ गए। और वो गुवाहाटी में थे, बाहर लड़ाई हो रही है। राम सिंह को भी पता चल गया था, दो चीजें पता चल गई थी कि एक तो लचित बोरफुकन बीमार है, दूसरा के तो कहा से तो एक उन्हें न्यूज मिल गया था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि यू नो कई कई जगह पे भी घड़ी थोड़ी वीक हो चुकी है क्योंकि काफी देर साल से लड़ाई चल रही है। तो हम अगर पानी पर लड़ाई करते हैं, इफ वी कैन मूव पूरा आर्मी अगर एक जगह पे जाकर पहुंच सकता है तो वहां पे घड़ी तोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी सारा उनका जो सैन्य था उन्होंने पूरा पानी पे उतार दिया, अलग अलग बोट्स में, अलग अलग जहाज में। उनके नेतृत्व मुगल कर रहे थे, मुगल छोड़ के और भी लोग थे जो पश्चिम की तरफ से आए हुए थे, यूरोपियन नेशन के लोग थे नेतृत्व करने के लिए। अच्छा, और जो सराय घाट का जो पहला फेज है सुबह के, उसमें एक्चुअली आसामी लोगों की पीछे हट हुई थी। अच्छा, सारे की सारी पूरी फौज जो है शुरुआत में हार हो रही थी, शुरुआत में हार हो रही थी। लचित बोरफुकन वहां पे थे नहीं, वो तो बीमार थे बिस्तर पे थे। अब लीडरशिप उनके दूसरे जगह पे थी, मतलब दूसरे लोगों के पास थी, वो लड़ नहीं पा रहे थे, उनकी पीछे हट हो रही थी। फिर लचित बोरफुकन को जैसे पता चला कि लड़ाई में स्थिति ये हो रही कि हम जो 1.5-2 साल से लड़ के जीत रहे हैं वो भी एक सुबह में ही पीछे हट हो रही, हट गए पीछे, तो उन्होंने अपने वैद्य को बुलाया पहले। अच्छा, उन्होंने पूछा कि मेरी स्थिति कैसी है। वैद्य ने बोल दिया कि अब तो बिस्तर से उठने के लायक नहीं हो। फिर उन्होंने अपने जो ज्योतिष है, अभी अहोम और आसामी ज्योतिषी में इनफैक्ट जो गुवाहाटी है उसका नाम ही प्रागज्योतिषपुर था पहले, प्रागज्योतिषपुर। यस हाँ बिल्कुल ठीक, तो प्रागज्योतिषपुर था, ज्योतिषी का बहुत मान्यता थी वहां पर, आज भी है। और मैं कहा कि उसे बुलाया, फिर कहा कि लड़ाई की स्थिति कैसी है, तो ज्योतिषी ने कहा कि एक्चुअली आप लड़ना नहीं चाहिए। तो लचित बोरफुकन ने कहा मैं तो लड़ने वाला हूँ कुछ भी करके, आप बस बताओ कि सही समय कौन सा होगा। तो फिर सही समय बताया, और उस स्थिति में जहां पर उन्हें चलना भी मुश्किल था, वो अपनी तलवार लेकर उतरे नदी तक। और जैसे ही पता चला कि लचित बोरफुकन के जिनका झंडा लहराया है ब्रह्मपुत्र पर, तो ये इनका एक अलग ही रिएक्शन था। बाकी मतलब जो डिमोटिवेट हो चुके थे, वो पीछे हट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि लचित बोरफुकन आ चुके, तो फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इनफैक्ट एक छोटी सी कहानी ऐसी भी है कि जब लचित बोरफुकन वहां पे जा पहुंचे अपनी नाव में, तो वो नाव जो है, वो जो चलाने वाला था, वो नाव चालक, वो पूर्व की तरफ जाएगा, गढ़गांव की तरफ। तो फिर लचित बोरफुकन पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हो, तो लड़ाई तो वहां है गुवाहाटी में।
सरकार नहीं, अब मुझे लगा था आप बीमार था, आप गड़गांव को जाना होगा। अच्छा, आप हो सकता है वापस राजधानी जाना चाहते, राजधानी जाना चाहते। तो फिर अभी एक ये सही कहानी है दंत कथा है पता नहीं, लेकिन ऐसे कहता है कि वहां पर लचित बोरफुकन ने उसे उठाया पर्सनली, फिजिकली उठा के पानी फेंक दिया कि आप मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ मत दिखाओ, बताओ मुझे कितनी है। अगर लड़ाई जहाँ हो रही है वहां पर मैं मुझे होना मौजूद होना जरूरी है इसलिए। और फिर यहाँ पर ऐसे भी कहा जाता है, लिखा भी है एक्चुअली किताब में रेफरेंस बुक में, कि लचित बोरफुकन ने कहा कि मेरे अंत संस्कार के लिए मैंने ऑलरेडी जगह खरीद ली है। अच्छा, मैंने जो भी 4 कोड़ी खर्च करके जितनी जगह होनी चाहिए उतनी खरीद ली है, अगर मुझे यहाँ कुछ होता है तो मुझे वहां पे दफन कर दो, मेरा अंत संस्कार वहां कर दो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि मेरे हरी फौज मेरा सैन्य वहां ब्रह्मपुत्र अकेले लड़ेंगे। हाँ, और मैं यहाँ पर लड़ रहे और मैं यहाँ बिस्तर पर लेटा हुआ। सो दिस इज द काइंड ऑफ यू नो पर्सनालिटी हैड। फिर जैसे पता चला कि लचित बोरफुकन आ चुके हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे, फिर वो पूरी बाजी पलट गई लड़ाई की, दे स्टार्टेड फाइटिंग मोर फियर्सली, और फिर फाइनली राम सिंह को हार माननी पड़ी और वो पीछे हटके वापस बंगाल चले गए। So that is how the battle of Saraighat ended with a resounding victory. उसके बाद जो है राम सिंह couldn't again enter, Mughals could not come back as an invading force. उसके बाद 10-12 साल बाद जो है गुवाहाटी हाथ से फिर से चला गया, लेकिन वो लड़ाई में नहीं, वो कुछ इनके आसाम के जो पॉलिटिक्स चल रहे थे अहोम कोर्ट में उसके चलते गुवाहाटी इनके हाथ से चला गया था, मतलब गुवाहाटी दे दी थी। और फाइनली 1682 में जो है 1-2 साल जो गुवाहाटी चला गया था वो वापस इन्होंने हाथ में ले लिया फिर आ गया अहोम राजा। लेकिन जो चैलेंज औरंगजेब ने और राम सिंह ने 1670s में दिया हुआ था, दैट काइंड ऑफ बैटल नेवर टू प्लेस अगेन, एंड व्हिच इज व्हाई सरायघाट इज वेरी यूनिक, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो सिर्फ नदी पर हुई थी। और ये जो मुगलों ने जो विशालकाय जहाज लाए थे वो और ये अहोम के जो छोटे छोटे नाव थे उसके बीच की एक लड़ाई थी। वेयर यू कुड ऑल्सो सी एज टू हाउ वेल द असमीज एंड अहोम्स अंडरस्टूड द रिवर, मतलब वही तुम जब नदी पे लड़ाई लड़ते हो इट इज वेरी डिफरेंट कम्पेयर टू अ लैंड बेस्ड बैटल ऑफ एनी टाइम। नदी एक तो हिलती हुई चीज है, आई मीन प्रवाह होता है नदी का। हाँ, सो योर एंटायर बैटल फील्ड इज मूविंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम्हारा जो अगर बाकी जो जमीन पे लड़ाई लड़ी जाती है वो बैटल फील्ड हिलता नहीं है, इट्स ऑब्वियस स्टेशनरी, पानी पर की लड़ाई हो कोई भी लड़ाई हो तो द एंटायर बैटल फील्ड हैड अ मोशन, दैट इज वन थिंग। फिर तुम्हारा गुवाहाटी जब चूज किया गया था वहां पर लड़ाई क्यों होनी चाहिए, प्रवाह ज्यादा होगा पानी का, सबसे सक्रिय भाग है वो सारी चीजें, इस पे जो पानी का प्रवाह जब तुम्हारा ज्यादा होता है या जब नैरो होता है तो दैट कॉजेस यू नो हाइड्रोडायनामिक्स ऑफ अ डिफरेंट नेचर कंपेयर टू अ स्टिल वाटर, तो दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द बोट्स। इसका फायदा भी होता है इसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये सारे चीजें जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल दीज थिंग्स वर बोर्न इन माइंड बाय लचित बोरफुकन एंड द अदर्स एंड दे न्यू एंड अंडरस्टूड द रिवर वेरी वेल, बिल्कुल यूज इट फॉर बैटल। बिल्कुल इतना ही नहीं, वहां पे गुवाहाटी में एक डोई पुखरी करके जगह जिसे कहते हैं डबल डबल पॉन्ड या फिर डबल डॉक, माना जाता है कि पहले यहाँ पे इनके नाव के लिए डॉक बनाया था, फिर मैंने जो बताया गया था दिगली फुकुरी करके, तो दिगली फुकुरी आज बहुत बड़ा एक पॉन्ड है रिक्रिएशन के लिए, वहाँ पे बोटिंग वोटिंग चलती है। और जो भागदत्त का मैंने बताया था पहले, इट इज बिलीव टू बीन डग बाय भागदत्त ऑल द वे बैक इन महाभारत टाइम, तो वहां पर भी यहाँ इनका डॉकयार्ड था जहाँ पे ये बोट लाते थे बनाने के लिए दुरुस्त करने के लिए, और छोटे छोटे कनाल जो है वो ब्रह्मपुत्र से जोड़े जाते थे। सो यू हैड अ कंप्लीट इकोसिस्टम इन प्लेस कि ब्रह्मपुत्र ट्रेड के लिए तो था ही, इनफैक्ट ट्रेड के लिए तो शायद इतना ज्यादा था जितना आज भी नहीं है। वाकई वाकई बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ है, वो ट्रेड था ब्रह्मपुत्र पर। औरंगजेब का जो वक्नवेश है मुगल वक्नवेश, यानी आज का जो
यू कैन से जर्नलिस्ट या यू नो न्यूज लेटर जो लाता है, तो उसका जो वक्तव्य है मैसेंजर, उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि गुवाहाटी में सिर्फ एक महीने में 1665 या 1600 उसे क्या 1665 के रमजान के महीने में उन्होंने 32,000 बोट क्रॉसिंग गिनी थी। वाह, 32,000 बोट क्रॉसिंग, ठीक है, बहुत व्यापार था वाकई। हाँ, ब्रह्मपुत्र बहुत व्यापार है। इवन इफ यू कंसीडर कि अलग अलग बोट नहीं थे, एक ही बोट ने 10 बार भी किया होगा, फिर भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, फिर भी ज्यादा पड़ा है। हाँ, सामान का आना और जाना। इनफैक्ट मैं पढ़ भी रहा था कि जो बहानेबाजी आपस में चल रही थी मुगलों और अहोम की, कि कैसे एक दूसरे से लड़ा जाए, उसमें व्यापार का भी एक बहुत बड़ा पहलू था कि अहोम साम्राज्य के व्यापारियों को दिल्ली आगरा की तरफ और दिल्ली आगरा वालों को अहोम से व्यापार करने में प्रॉब्लम लगातार क्रिएट की जा रही थी। तो इस पर भी एक नाराजगी थी कि भाई व्यापार नहीं करने देते, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य था अहोम और खूब व्यापार फल फूल रहा था यहाँ ब्रह्मपुत्र के जरिए भी। तो ये भी एक नाराजगी मुगलों की थी कि वहां एक्सपेंशन करें तो पैसा बढ़िया मिलेगा, और वो हो नहीं पा रहा था। वाकई तो एक तो पानी का व्यापार, मतलब और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत ही नहीं रस्ते बनाने की, वो पूरा ब्रह्मपुत्र पे ही व्यापार चलता था। हाँ, वो सबसे सस्ता है, सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, और पुराना व्यापार था वहां पर एक्चुअली, कोई आपको नया कुछ क्रिएट करना नहीं है, पहले से होता आ रहा था, पहले से लगातार बढ़ ही रहा था। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र वहां से मिलके फिर गंगा से मिलती है बंगाल में। हाँ बिल्कुल, तो ये व्यापार पूरा बंगाल से लेके आसाम तक फैला हुआ था। हाँ, और मुझे आपकी बातों से सूरत याद आ गया कि जहां पर बहुत सारे विदेशी, मतलब अंग्रेज भी आ चुके थे, पुर्तगीज भी आ चुके थे, फ्रेंच भी आ चुके थे, डच भी थे, वो टैक्स पे कर रहे थे मुगल साम्राज्य को इसी बात का कि आप हमें यहाँ माल रखने दीजिए, यहाँ से व्यापार करने दीजिए। तो डेफिनेटली ब्रह्मपुत्र वैली को देखकर भी मुंह में पानी आता होगा आगरा दिल्ली के, कि बहुत सारा पैसा तो यहाँ से भी मिल सकता है। और वहां पे जो सैंड है ब्रह्मपुत्र वैली की, जो सैंड हर साल फ्लड होता है, हर साल न्यूज में आता है, हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, बट दिस हैज बीन द पैटर्न फॉर ब्रह्मपुत्र फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। यस यस, एंड क्योंकि बारिश होती है वो वैली पूरी भर जाती है, इससे क्या है कि वहां की जो सैंड की क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड, एंड वन ऑफ द रीजंस मुगल्स वांटेड टू होल्ड ऑफ दिस रीजन वाज द सैंड क्वालिटी, इकोनॉमिकली देखा जाए। लेकिन ना तो दक्षिण भारत और ना पूर्वोत्तर कभी मुगलों के हाथ आ सका, यहाँ तक कि औरंगजेब, जिसके समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत थीं, तब भी ऐसा हो नहीं सका कि कभी दक्षिण भारत या नॉर्थ ईस्ट पर दिल्ली आगरा ने शासन किया हो। और दक्षिण के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अहोम के बारे में नहीं जानते थे। बेसिकली अहोम के अलावा भी कई साम्राज्य थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे अहोम के समय ही, लेकिन अहोम उनमें सबसे विशाल भी था, ताकतवर भी था, और लंबे समय तक उन्होंने शासन भी किया, 700-800 साल। मतलब मुझे भी नहीं मालूम था, ईमानदारी से कहूं अनिश जी, लेकिन जब मैंने मतलब बोरफुकन के बारे में थोड़ा बहुत इसलिए मालूम था क्योंकि जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां जो सबसे बढ़िया कैडेट निकलता है उसको बोरफुकन वाला गोल्ड मेडल दिया जाता है, उस गोल्ड मेडल का नाम लाचित बोरफुकन पर ही है। तो उसके पीछे यही सब कुछ है जो आपने बताया, लेकिन ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था अहोम का, मुगलों का, इस सरायघाट की लड़ाई का, ये मिसिंग था। लेकिन आपने किताब लिखी और बहुत बढ़िया लिखी, और हमने जो बात की है तो बस ग्लिम्प्स है, क्योंकि उस किताब में मैंने पढ़ा है आपने बहुत सारे पात्रों से इंट्रोड्यूस कराया है, उन परिस्थितियों को एकदम इस तरह से दिखाया है जैसे वहां खड़े होकर देख पा रहे हूँ कि अहोम के सर पर मुगलों का संकट है। तो किताब बहुत बढ़िया है, एक तो किताब लिखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपकी किताब आ गई, और अब तो शायद आगे चलकर फिल्म भी बनेगी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कहानी है ऐसी जो कहनी चाहिए, जो बताई जानी चाहिए। तो पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में हम, यदि आप कुछ और अपनी तरफ से जोड़ना चाहें तो प्लीज। धन्यवाद करना चाहता हूँ, और वैसे करापा आपके लिए लिटिल बिट अबाउट दी बुक। जैसे कहा कि किताब में एक्चुअली मैंने बीन जुमला का जहाँ से आक्रमण होता है हरिवंश, वहां से लेके सरायघाट की लड़ाई, वहां तक का इतिहास लिया हुआ है, 8-7 साल का।
इसके बाद जो है गुवाहाटी हाथ से फिर चला जाता है, फिर आता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, वेयर दे लूज समथिंग 300-400 साल के बाद, और फिर वापस बच्चों बोर्ड फंक के जरिए फिर से जीत लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि इनफैक्ट लचित बोरफुकन इज वन ऑफ द मेनी पर्सनैलिटीज ऑफ आसामीज हिस्ट्री नीड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। अभी ये एक आक्रमण हो, लेकिन जैसे कहा था 17-18 आक्रमण हो चुके थे, तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारे 17-18 ऐसे सेनानी है जिन्होंने लड़ा था। यू आर लुकिंग एट देन 15-18 पीपल हु हैव बीन आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स एंड अदर्स। फिर आगे चल के रुद्र सिंह का भी जिक्र हुआ था। सो इन जनरल आई वुड से दैट नॉट जस्ट लचित बोरफुकन बट एक ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ द अहोम डायनेस्टी इटसेल्फ शुड इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द बुक फॉर 600-700 इयर्स, व्हिच इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मुझे दूसरे कोई आई डोंट रिमेंबर एनी अदर डायनेस्टी, इंडियन डायनेस्टी व्हिच हैज लास्टेड दिस लॉन्ग। यस एंड लास्टेड अक्रॉस योर एरा ऑफ द मुगल्स एंड अदर्स, क्योंकि इन्होंने क्या कई सारे डायनेस्टी जो पहले से आते हुए थे वो खत्म कर लिए थे। सो यस दैट इज द होल एम ऑफ द बुक सच में। और अहोम की कहानी कुछ खो देने के बाद उसे पाने की ललक की कहानी भी है, और ताकतवर के खिलाफ कमजोर की जीत की कहानी भी है, और अनुशासन की कहानी है, कर्तव्य निष्ठता की कहानी है, और कहानी इस भरोसे की भी है कि भले ही ज्योतिषी कुछ भी कह दें और मेरा चिकित्सक जो चाहे कहे, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, और यदि लड़ूंगा मेहनत करूंगा तो क्या नहीं हो सकता। तो लचित बोरफुकन की कहानी सबको पढ़नी चाहिए, और अमर चित्र कथा अनीश गोखले के हाथ लगी तो उन्होंने आज एक उस पर उपन्यास रच दिया, और लचित बोरफुकन के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो जाने क्या क्या रचेंगे। तो अनीश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग जी, और आप लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप प्लीज बताइएगा कैसी लगी बातचीत, और लचित बोरफुकन के बारे में जानकर कैसा लगा, अहोम साम्राज्य के बारे में जानकर कैसा लगा। radio@aajtak.com पर, इसके अलावा हमारा नंबर है 9953233303। तो पढ़ाकू नितिन में अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, लेकिन आज जो आपने सुना इसके बारे में तो जरूर बताइए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पढ़ाकू पार्टी, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां मैं बता देता हूं कि अगली बार हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और अक्सर आप लोगों के सवाल भी शामिल करता हूं। अनीश के साथ ये बातचीत थोड़ी जल्दबाजी में हुई तो सवाल नहीं ले सका आज आपके, तो इसका तो खेद है, लेकिन वादा है कि जल्द ही वहां बताऊंगा अगले हफ्ते किस पर बात करने वाले हैं। तो पढ़ाकू पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, और इतने प्यार से सुना, इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक रेडियो सुनते रहिए।